तो मम्मी ये गमछा क्यों गिन रहा है? संक्रांति पे देते हैं ना अपने 14 गमछा। अच्छा हाँ, तो क्यों देते हैं संक्रांति पे 14 गमछा? देना चाहिए, साल में एक बार देना चाहिए। हाँ। ओके, ये गमछा तो काफी अच्छा है। पापा लेके आए क्या? मम्मी पापा लेके आए। सबको देगा क्या? सब लोग लेने आएंगे घर पे? नहीं, देने लेने भी आएंगे और दे देंगे गरीब आदमी को, किसी को भी। तो मेरे को दे देना, हम दे आएंगे गरीब आदमी को। ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज है मकर संक्रांति और मम्मी ने बोला है कि तुम येलो पहन सकती हो, क्योंकि मकर संक्रांति वाले दिन येलो पहनते हैं मम्मी। हाँ, और मम्मी क्या कर सकते हैं, मतलब और क्या बांट सकते हैं कि क्या? 14 चीज किसी को भी दे सकते हैं। बहुत जन बैठे रहते हैं लेने के लिए, गरीब आदमी सब। अच्छा, चाहे ब्रेड दे दो, चाहे बिस्किट दे दो, चाहे टॉफी दे दो, कुछ भी तुम्हारा जो इच्छा होता है वही दे दो। ठीक है, आज हम लोग करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चॉकलेट्स या फिर बिस्किट। येलो चीज खाना चाहिए, हम शाम को बनाएंगे मटर का पुलाव कड़ी। अच्छा, येलो चीज खाना भी चाहिए? ठीक है, तो आप पुलाव कड़ी बना रहे हैं। ठीक है, मम्मी तो पुलाव कड़ी बना रही है। तो गाइज, मम्मी बना रही है आज टेस्टी सा खाना। तो मम्मी आज खाने में बनाई है पनीर मटर की सब्जी, साथ ही में है आलू की सब्जी, और बना रही है फलका गरम गरम। तो खा के आज मजा आने वाला है, मकर संक्रांति स्पेशल खाना मम्मी की तरफ से। क्या मम्मी, सबको बोल दो हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति। ओके, क्या करना बोलो, क्या पूछ के? ठीक है, तो गाइज मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी। अभी बस मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद मुझे रील्स बनाना है, तो मुझे साड़ी पहनना है। मम्मी का ब्लैक साड़ी पड़ा है, वो पहनूंगी। तो पहले तो खाना खा लेते हैं। मैं टेस्टी खाना बनाऊँ तो आलू का क्या काम है? सो गाइज, मैंने ना साड़ी वेयर कर लिया, देखो कितना मस्त लग रहा है, पर मैं आपको पूरा नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा है और ये वाले प्यारे से झुमके पहन लिए बड़े बड़े। बस अब मुझे रील्स बनाना है, और ज़्यादा मेकअप मैंने नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ लिपस्टिक लगाया, थोड़ा सा क्रीम अप्लाई किया है बस, क्योंकि आज पता है आपको मौसम इतना ठंडा है, कितना तेज़ हवा चल रही है, मुझे बहुत तेज़ खांसी हो गई है। अभी वॉमिटिंग वगैरह हो रहा था और फिर अभी ठीक हुआ, तो मैं रील्स बनाने आई हूँ। ठंड बहुत है लेकिन रील्स बनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी सब डाउन चल रहा है मार्केट, तो मेरा भी डाउन ही चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती रहूँगी। आई नो सब ठीक हो जाएगा। एंड आप बताना ये सिंपल सा मेकअप कैसा लगा मेरा। सो गाइस, अभी ट्रेंडिंग रील तो यही चल रहा है, हुई चवारे में बरसात, कौन वहाँ था किसके साथ, हाय चक 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 है तू, हाय चक 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 हूँ मैं, हाय चक 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 है तू, हाय चक 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 हूँ मैं। ये वाली एक रील चल रही है ट्रेंडिंग पे, और चल रही है कि हाँ, मेरी मम्मी ना ऐसे मोमोज टाइप पति लेके आ जाती है। मैं बोलती हूँ कि ऐसे पति मैं लेके बाजार में घूमूंगी, मोमोज टाइप पति। अच्छा एक काम करो, उसे पका के लेके आओ धीमी आँच में। ये वाली मतलब डायलॉग याद नहीं है, ये भी ट्रेंड पे ही चल रही थी। सजना तेरे लिए सजना, ये चूड़ी कंगना, बस तेरे लिए पाई है या, हा संग तेरे है जीना मरना, बस तेरे लिए पाई है। तो गाइस रील्स तो मैंने बना लिया है, साथ में इतनी तेज खांसी हो गई ना, क्योंकि बहुत ठंडी हवा चल रही है, तो मम्मी ने मेरे लिए उकाली बनाया है, इसे पीने से ठीक हो जाएगा शायद, मम्मी बोल रही थी, तो पी लेती हूँ इसको। तो गाइज मैंने येलो वेयर कर लिया है, येलो जैकेट है और येलो टॉप भी है साथ में, और अब मैं जा रही हूँ बाहर कुछ बांटने के लिए, तो चलिए चलते हैं। और मेरी तबीयत थोड़ी होगी है डाउन, पर फिर भी मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे बांटना है, आज मकर संक्रांति है इसके। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ भूतनाथ मंदिर, और यहाँ पे सब देखो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लाइन लग। तो गाइज़ यहाँ पे गुलाब जामुन था, नमकीन था, बिस्किट था, और साथ ही में जलेबी था और सब्जी भी था, तो मैंने सोचा यही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो मैं ये डिस्ट्रीब्यूट करने आ गई। और छोटे छोटे बच्चे और अंकल आंटियों को देख के बहुत ही सुकून मिल रहा था, उनको देकर मतलब दिल को एकदम सुकून मिलता है ऐसा काम करके, तो चलिए उन्हें एक एक करके दे देती हूँ।
तो गाइज लाइन जो है वो बढ़ती जा रही थी, देख रहे हो, मतलब एक को दे रही तो बहुत लंबा लाइन लग गया था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा प्लेट्स बांटने पड़े, 50 प्लेट्स मैंने बांटा, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा बांट के। और उसके बाद गाइज उसके बाद मैंने बिस्किट्स ले लिया ताकि जो बच्चे को नहीं दे पाई उस साइड में, मतलब भूतनाथ के एक पार्ट है वहाँ पे जाके गंगा जी के पास, वहाँ पे बच्चे लोग को बिस्किट दे पाऊँ। जिनको खाना दे पाई उनको खाना दे दिया, जिनको बिस्किट दे पाई तो इस साइड में भी आ गई बिस्किट देने के लिए। बस डर ये रहता है ना गाइज कि अगर आप देते हो तो ये लोग आपको पूरा मतलब बिस्किट विस्किट छीन के, पैकेट छीन के भागने लगते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये लोग धीरे धीरे आ रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत लोग थे जो कंबल बांट रहे थे, ड्रेस बांट रहे थे। भगवान उन सभी को जिन लोगों ने इतना अच्छा दान दिया है उनको हमेशा खुश रखे। तो गाइस पापड़ी चाट मैं खा रही हूँ लेकिन बारिश आने लग गया है, और किस तरीके से पीछे जो लोग बैठे हैं वो लोग टेंट वेंट लगा के, छाता लगा के बैठे हैं, बहुत देख के बहुत मुझे दया आ रहा था, पर क्या कर सकती हूँ मैं भी। हाय हाय, क्या दे? तो खाओ। मैं पुचका और ये खा रही थी ना पापड़ी चाट, तो ये लोगों ने बोला मुझे भी खाना है, तो मैंने इनको भी खिला दिया। मतलब मुझसे जितना हो पाता है मैं उतना कर देती हूँ। ये है हमारा कोलकाता का भूतनाथ मंदिर, भोलेनाथ आप सभी को खुश रखे। तो अभी तो गेट बंद था, शायद शाम को खुलता है अंदर जाने के लिए, तो देखो अभी क्लोज था। सो गाइस अब बारिश होने लगी है, अब निकलना होगा यहाँ से। ये जो नमकीन मैंने बांटा था ना गुलाब जामुन वगैरह के साथ, तो मैं टेस्ट करके देख रही हूँ कि आखिर ये कैसा है, तो फिर ये बहुत ही अच्छा था, अच्छी क्वालिटी थी। उसके बाद मैं खाई भुट्टा, तो भुट्टा का इसलिए खाई ना क्योंकि बारिश हो रही थी, गरम गरम खा के मज़ा आ जाता, तो ये भैया भुट्टा बना रहे थे, लेकिन एक भैया का हाथ देख रहे हो, एक हाथ नहीं है, मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। लेकिन एक तरफ से इंस्पिरेशन भी मिला गाइस, क्योंकि उनका एक हाथ नहीं है फिर भी भैया कितना मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का खा रहे हैं, वो चीज़ बहुत अच्छा लगा। मेहनत करने से सब कुछ पॉसिबल हो पाता है, तो मेहनत करते रहो, भगवान फल अपने आप देंगे। तो ये भैया भी बेचारे बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा देख के। साथ ही में ये बच्ची मुझे मिली, और भी बच्चे लोग थे जिनको खाना था भुट्टा। तो गाइज आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना।